नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। फिर से आ गया हूँ एक नया मूवी का रिव्यू लेके। आज का मूवी का नाम है हनुमान। मूवी आज सुबह मैंने देख लिया था एंड मूवी देखने के बाद मेरा जो फीलिंग था दैट इज समथिंग लाइक वाव वाव एंड वाव। यस, मूवी देखते देखते मेरा ये भी यही फीलिंग था, क्योंकि मूवी था ही ऐसे ना। सैल्यूट टू डायरेक्टर प्रशांत वर्मा विजन। सिर्फ 50 करोड़ का एक मूवी बना के आदि पुरुष गणपत जैसी मूवी के गालों पे थप्पड़ मार दिया इन्होंने। पैसा को सही खर्च कैसे करना होता है, मूवी की प्लॉट में रिलीजन कॉन्सेप्ट एंड न्यू जनरेशन की व्यू को कैसे पेश किया जा सकता है विदाउट हर्टिंग आवर इंडियन कल्चर, वो इनसे सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई सीखो, इनसे सीखो। विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर, लेट्स जंप टू रिव्यू दिस मूवी इन डिफरेंट सेक्शन। स्टोरी की अगर बात किया जाए तो हर एक सुपर हीरो मूवी की तरह इसका भी एक सिंपल स्टोरी स्ट्रक्चर होता है। लाइक वही हीरो को सुपर पावर मिलने से पहले तक वो जीरो रहता है एंड आफ्टर गेटिंग दैट सुपर पावर वो पहले तो लोकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है एंड देन एक बिगर इशू और एन बिगर सुपर विलन से फाइट करके फाइनली एक हैप्पी एंडिंग करता है। लेकिन प्रशांत वर्मा ने इसी स्टोरी को इंडियन कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए और हनुमान जी के रेफरेंस लेकर बहुत ही रोमांचक बनाया है। एक लड़का जो कि उस गांव का रहने वाला है जहां हनुमान जी बसते थे। हनुमान जी की बड़े बड़े स्टैचू वाला आइलैंड आप लोगों ने ट्रेलर में देखा ही होगा। कुछ अजीबो गरीब कारनामे के चलते लड़का मूवी के सुपर विलन के नजर में आ जाता है एंड उसकी जम के पिटाई करने के बाद जब उसको नदी में फेंक दिया जाता है वहां से उसको रुद्रमणि से हनुमान जी की शक्ति मिलती है। इस सीन में बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी के साथ पूरा बैक स्टोरी को समझाया जाता है जो कि सच में ब्रिलियंट है। एक्चुअली अंजनाद्री रीजन के कल्चर, वहां के नेचर, मंत्र का उच्चारण, ब्रदर और सिस्टर का प्यार, एक तरफ से बोला जाए तो इंडियन कल्चर को मूवी में बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। एक्चुअली एक विलेन इनिशियल स्टेज में एक सुपर हीरो रहता है जो चाहता है कि उसके पास दुनिया की सब शक्ति हो। अब उसी पावर के नशे में पागल होकर और ज़्यादा पावर के लालच में वो क्या करता है, इसको जानने के लिए आपको मूवी जाकर देखना पड़ेगा। मूवी में फनी कॉमेडी सीन्स का बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया है जो कि आपको बोर तो करेगा नहीं। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि हर एक मूवी में लव स्टोरी का वो एंगल घुसाना इतना जरूरी क्यों होता है यार, जब उसकी एंडिंग में जाके कोई सिग्निफिकेंट ही नहीं होता। कास्ट और एक्टिंग की अगर बात किया जाए तो मूवी की कास्ट को लेकर ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि सब ने अपना अपना काम बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। लेकिन एज पर माई ओपिनियन सुपर विलन जो है वो थोड़ा सा चोमू टाइप का हो गया भाई। जितना बिल्ड उसको मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं है। तेजा सज्जा एज अवर सुपर हीरो हनुमान एंड अमृता अय्यर की लव स्टोरी बहुत सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ठीक है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है नहीं एंड तक जाके। एक्शन एंड VFX का अगर बात करेंगे तो भाई सुपर हीरो मूवी होने के कारण VFX और एक्शन का कारनामा बहुत ज़्यादा होता ही है, ये तो पता चल भी गया था ट्रेलर को देख के ही। लेकिन सच बता रहा हूँ भाई, मूवी में एक्चुअल स्टोरी, रुद्रमणि की कंसेप्ट, फाइट सीन, सिनेमाटोग्राफी को देखकर आपको बिलीव नहीं होगा कि ये मूवी सिर्फ 50 करोड़ में बनी है। आदि पुरुष गणपत की फिल्म मेकर्स को सीखना चाहिए इनसे। हनुमान मूवी का क्लाइमेक्स का 5-6 मिनट वाला सीन जिसमें हनुमान जी प्रकट होते हैं, वो सीन अकेले आदि पुरुष की पूरी मूवी से लाख गुना अच्छा है। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा को लाख तोपों की सलामी एंड मैनी मैनी थैंक्स इंडियन सिनेमा को इतना खूबसूरत एक सुपर हीरो मूवी गिफ्ट करने के लिए। एज पर माई ओपिनियन मैं इस मूवी को 9/10 देना चाहूंगा। थिएटर में जाके फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कीजिए क्योंकि ये मूवी सीरियसली थिएटर में एंजॉय करने लायक है। एंड बिलीव मी, आपकी बच्ची आपको जोर से अगर एक पप्पी नहीं दिया तो भाई मेरा नाम चेंज कर देना। हाँ, चेंज कर देना। कमेंट करके बताना कि कैसा लगा रिव्यू, कुछ जानना है या फिर कुछ बताना है, कुछ सजेशन देना है तो ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं अगला मेरी क्रिसमस के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय।